नाम विकास सोए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज अजमेर ज़िले के सभी ठेकेदार नई आबगारी नीति और कोरोना काल इन दोनों से परेशान होकर भारी घाटे को उठाया है ठेकेदारों ने, उसके चलते आज ये बैठक आयोजित की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है कि आपके माध्यम से हम अपनी बात को सरकार और विभाग तक पहुंचा सकें। हमने समय समय पर विभाग के द्वारा विभाग के साथ वार्ता करने की कोशिश की पर अब तक इसका लाभ नहीं मिला। मजबूरन हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी है। आज नई आबगारी नीति के तहत सबसे बड़ा आपको मैं कारण बताऊँ कि कोई व्यक्ति अपनी एक वर्ष के व्यापार के लिए हम लाखों रुपए की पूंजी लगाते हैं, जबकि सामान्यतः लाखों रुपए का पैसा लगाकर जीवन भर का व्यापार करते हैं। ऐसा जुआ हम खेलते हैं, उसके बावजूद विभाग हमारी सुनता नहीं है। हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हमने कल बैठक की, हमारा एक संगठन बनाया, उस संगठन के तहत हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसके तहत रणनीति बनाकर रूपरेखा बनाकर हम आगे आपको बताना चाह रहे हैं कि हम 1 तारीख को सभी जिले के ठेकेदार गांधी भवन चौराहे पर एकत्रित होकर रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय आएंगे और वह हमारी 6 सूत्रीय जो ज्ञापन है वो माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को और माननीय आबगारी आयुक्त महोदय को और हमारे DO साहब को देंगे, ताकि हमारी मांग को मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाकर उसका निदान निकाला जाए। मैं हमारी जो मांगे हैं वो कुछ मांगे आपके सामने समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो कि कोरोना काल में जब सभी दुकानें बंद थी, लोगों की आवाजाही बंद थी, ऐसे समय पर शराब बिक्री का हमारा समय जो था वो सुबह 6 बजे से 11 बजे किया गया था। जो चाय पीने दूध पीने का समय था उस समय हमारी बिक्री नहीं हुई। गवर्नमेंट ने विभाग ने ऊँट के मुंह में जीरा देते हुए सिर्फ हमें 35% का लाभ दिया, तो उस बाबत हमारी मांग है कि वो लगभग 70% अवधि जो हमारी विक्रय अवधि थी, विक्रय समय था, वो हमने खोया है। इसलिए 70% का लाभ दिया जाए, 35% से हमारा मुनाफा कवर नहीं होता है। दूसरा, जिन भाइयों को उस गारंटी का, उस छूट का लाभ नहीं मिला 35% का, वो लाभ मिले, पहला बिंदु। उसके साथ ही दूसरा बिंदु, कोरोना काल में 35% की छूट तो हमें दी गई थी, साथ ही कंपोजिट राशि, कंपोजिट जो अंग्रेजी हमें विक्रय के लिए एक वार्षिक राशि के रूप में देनी पड़ती है, वो भी उस अवधि में जो छूट है उस रेशो में उसका भी लाभ कंपोजिट कम करके दिया जाए। कोरोना काल में सभी दुकानों के विक्रय समय ये आपने बता दिया। अनुज्ञाधारी जो भाई अब तक हमारी कंपोजिट राशि जमा नहीं करा पाए हैं उनको समय दिया जाए कि वो कंपोजिट राशि 3 माह में 4 माह में किस्तों में जमा करा दें, ताकि उन्हें राहत मिले। एक सबसे बड़ी बात, एक हमारे अनुज्ञाधारी भाई ने अपनी किडनी तक बेचने की मजबूर होना पड़ा, वो उसने प्रेस में अपनी, कल हमारे एक चुनाव हुआ था जिसमें पूरे हमारे शराब विक्रेताओं का एक संघ बना था जो अभी तक आज तक अजमेर बना नहीं है, और पूरे राजस्थान में इस आबकारी नीति का विरोध हो रहा है। उसको देखते हुए अब अजमेर में भी इस आबकारी नीति का विरोध हो रहा है, इसलिए हम 1 तारीख को इसके विरोध में हम ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर साहब। इसमें मांग ये है कि जैसे कोरोना काल में जो हमारे को छूट दी गई थी वो छूट हमें पूरी मिली नहीं, उस छूट के लिए हम ज्ञापन देंगे। किस तरीके की परेशानी का सामना आप लोगों को उठाना पड़ रहा है? परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, स्टॉक पड़ा हुआ है, ऊपर से प्रेशर है और पेनल्टी का क्या कहें, जैसे हमारी कंपोजिट फीस माफ़ करी जावे, और कोरोना काल में अवधि में दुकानों का जो समय था वो घटाया उसी की छूट दी जावे, और सभी प्रकार के देशी शराब पर जो BLF का एक्साइज लगता है वो हटाया जाए, और वर्ष 2020-21 की गारंटी की बाध्यता ख़त्म की जाए। जितेंद्र रंगवानी।